सातारा और रायगढ़ जिलों में 36 और 100 मिलने के बाद बाढ़ और भूस्खलन समेत बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में मरने वालों की संख्या रविवार को बढ़कर 149 हो गई, जबकि 64 लोग लापता है। राज्य सरकार ने ये जानकारी दी। एक बयान में कहा गया है कि इन घटनाओं में अब तक 50 लोग घायल हो चुके हैं। कोंकण क्षेत्र और पश्चिम महाराष्ट्र के प्रभावित जिलों से कुल 2,29,074 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत और पुनर्वास विभाग द्वारा आज दी गई जानकारी के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लगभग 2,30,000 लोगों को निकाला गया है। कुल 149 मौतें हुई है और 3,248 जानवरों की मौत भी हुई है। कुल 50 लोग घायल हुए हैं और 100 लापता है। 875 गांव प्रभावित है। राज्य सचिवालय नियंत्रण कक्ष के एक बयान में कहा गया है कि पश्चिम महाराष्ट्र के सातारा जिले से 28 और तटीय क्षेत्र के रायगढ़ जिले से 8 और लोगों की मौत की खबर है। सरकार ने कहा कि अब तक रायगढ़ में 60, रत्नागिरी में 21, सातारा में 41, थाने में 12, कोल्हापुर में 7, उपनगरीय मुंबई में 4 और सिंधुदुर्ग और पुणे में 2-2 लोगों की मौत हुई है। कोल्हापुर, सांगली, सातारा और पुणे के कुल 875 मूसलाधार बारिश से प्रभावित हुए हैं। बयान में कहा गया है कि रत्नागिरी जिले के बाढ़ प्रभावित चिपलुन शहर में 5 राहत शिविर बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की 25 टीमें, एसडीआरएफ की 4 टीमें, तट रक्षक बल की 2 टीमें, नौसेना की 5 टीमें और सेना की 3 टीमें राहत और बचाव अभियान चला रही है। चिपलुन को मुंबई से जोड़ने वाली वशिष्ठी नदी पर बना पुल ढह जाने से सड़क यातायात के लिए बंद है। राज्य सरकार ने रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में से प्रत्येक को 2-2 करोड़ रुपए की आपातकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की है। बयान में कहा गया है कि बारिश से प्रभावित सातारा, सांगली, पुणे, कोल्हापुर, थाने और सिंधुदुर्ग को भी 50-50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इससे पहले दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भीषण बाढ़ के स्थल चिपलुन का दौरा किया और निवासियों, व्यापारियों और दुकानदारों से बातचीत की। उन्होंने क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का वादा किया। ठाकरे ने कहा कि उन्हें दीर्घकालिक राहत के लिए केंद्र सहायता की आवश्यकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सोमवार को पश्चिम महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और नुकसान की सीमा का व्यापक डेटा तैयार किया जाएगा। इस हफ्ते की शुरुआत में